This exercise involves solving equations, finding x and y using matrices. मैट्राइसेस यूज करके अपने को जो है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है. दो तरीके का होता है. एक होता है फाइंड एक्स वाई यूजिंग इन्वर्जन, और एक होता है फाइंड एक्स वाई यूजिंग रिडक्शन मेथड. ये तो मजेदार, रिडक्शन तो बहुत इजी है. इन्वर्जन में इट इज सिमिलर टू लास्ट एक्सरसाइज. ओके, एक सम करते हैं, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन वन कर रहे हैं 2.6 का. x प्लस 2y is equal to 2, that's equation 1. Where 2x plus 3y is equal to 3. अभी हम लोग को ये इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा. फॉर्मेट वी हैव टू मेक इन द फॉर्मेट ax is equal to b, मैट्रिक्स फॉर्मेट. तो इधर कोऑर्डिनेट्स क्या है, इधर कोऑर्डिनेट्स क्या, 1, 2, 2, 3 इनटू एक्स वाई द टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2 and 3. ये हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी. भाई क्या रिडक्शन मेथड सिखा रहे हो? नहीं, ये वाला इन्वर्जन मेथड. ना समझा सबको? हाँ. अभी क्या करना है, ये जो फॉर्म है उसमें प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स. ए इनवर्स को क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स टू एक्स, और इधर ए इनवर्स इंटू बी. अभी ये पता होना चाहिए दैट ए इंटू ए इनवर्स तो क्या होता है, आई होता है. ये आई बन गया एक्स, आई इंटू एक्स इज एक्स. तो जो एक्स का आंसर है विच इज एक्स वाई, उसका आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी करके आएगा. हमारे पास b है, x है, a इनवर्स ढूंढना है. ओके, ये इक्वेशन समझा सबको? दिस इज द ओनली मेन पार्ट, बाकी तो सब इजी. ये i कैसे हो गया, किया था ना अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i. जो इक्वेशन यूज करते थे हम वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दी. समझे क्या? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो. नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं. एवरीवन समझा? ओके कूल. एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, फाइन. ये इक्वेशन आ गया, नोट कर देने. अब निकालेंगे ए इनवर्स. ए इनवर्स कैसे निकालते, सेम इक्वेशन जो 2.5 में कर रहे थे. A into A inverse is equal to I. We know A. A is what? यहाँ पे देखो ना, 1, 2, 2, 3. बताओ कोई बताओ क्या स्टेप लेंगे अपन? क्या स्टेप होना चाहिए फर्स्ट स्टेप अभी? एनीवन? वो 2 को 0 में कन्वर्ट करना. Exactly. 2 को 0 में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये 1 तो ऑलरेडी है 1. ओके,
वाई आर टू माइनस, इसमें भी वही यूज करना है क्या, वो कौन सा मेथड था दूसरा? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके ये हो जाएगा जीरो, ये वाले पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू इंटू टू माइनस वन माइनस टू वन। इसके बाद एनी वन, एनीवन क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? आर टू प्लस होएगा, आर टू प्लस मतलब वो वन को माइनस वन को वन करना है। हाँ तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे आर टू को इनटू माइनस वन कर देंगे, तो सीधा हो जाएगा ना, समझा? समझा? ये वन के अलग से इसको जीरो, इधर अगर मैं प्लस करता गाइस तो ये भी तो वन हो जाता। तुमने देखा, यस माइनस वन प्लस टू गिव्स यू वन, नो डाउट, बट यहाँ पर भी तो जीरो प्लस वन वन हो जाता, तो यहाँ पे जीरो करना वेस्ट हो गया ना तुम्हारा, इसलिए मैंने आर टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन किया, लास्ट बाय आर वन माइनस टू आर टू। वन माइ ये लिख दो पहले, वन माइनस टू इंटू टू माइनस जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन टू, दिस इज द आंसर फॉर ए इनवर्स। एनी क्वेश्चन एनीवन? अभी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने का बी से, तो आ जाएगा एक्स। इक्वेशन क्या है, x is equal to a inverse into b, x के वैल्यूज क्या है x and y, a inverse के वैल्यूज क्या है माइनस थ्री टू टू माइनस वन, और अपने b के क्या वैल्यूज है, ट्वेल्व का क्वेश्चन वन थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे ये टू बाई टू मैट्रिक्स, टू बाई वन मैट्रिक्स, टू एंड टू कट टू बाई वन मैट्रिक्स आएगा, ऐसा आंसर आएगा, माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री, टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन, ये हो गया जीरो, आंसर है जीरो और वन, एक्स इज जीरो वाई इज वन, खत्म। समझा सबको? एनी क्वेश्चन एनीवन? क्वेश्चन फोर कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिया, कन्वर्ट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए, समझ आ रहा है, इनके वेरिएबल कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, ये इक्वेशन है, अब प्री मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इनटू ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा आई, ओके, फाइंडिंग ए इनवर्स यूजिंग इक्वेशन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए पता है अपने को, सॉरी ए इनवर्स पता है,
फर्स्ट स्टेप इसको वन बनाना, वन ऑलरेडी बन चुका है, ये वन क्या अच्छा, इसको जीरो, इसको जीरो, तो क्या हो जाएगा बाय आर टू माइनस आर वन, आर टू में चेंज है, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर लो। मैं पहले आर वन को कन्वर्ट करना पड़ता है ना, वो तो ऑलरेडी है ना वन, हाँ वन है, ओके ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो गया जीरो, ये हो गया माइनस वन, अब यही वन के हेल्प से इसको जीरो बनाना है, तो बाय आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री में चेंज है, बाकी सब छापो, ये करोगे तो कोई चीज मिस नहीं होएगा, जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो वन। अब क्या करना है इसको, इसको बनाना है हमें वन, तो डिवाइड में माइनस टू कर दो बाय आर टू डिवाइड बाय माइनस टू, वन 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 जीरो वन जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो माइनस टू हो जाएगा, इधर का आर वन और आर थ्री लिख दो, इधर हो जाएगा वन अपॉइंट टू, इधर हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू, ये हो जाएगा जीरो, ओके okay? प्लस थ्री भी कर सकते थे ना, नहीं कोई नंबर में ऐसे प्लस नहीं कर सकते ना, अपन क्या बोला ऐसा कोई रो में ऐसे प्लस थ्री नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया भी तो इधर भी तो थ्री आ जाएगा, इसको तुमने जीरो जो बनाया उधर वापस थ्री आ जाएगा, तो गलत हो गया ना, अच्छा समझा। हाँ मान गया इसको जीरो, और जो फ्रैक्शन हो जाता है प्लीज ध्यान से करने का, वेरी एरर प्रोन। जीरो हो गया वन गिरा, इधर देखो ये क्या हो जाएगा वन माइनस हाफ, हाफ जीरो माइनस माइनस हाफ, हाफ जीरो, ओके। अभी क्या करना है इसको बनाना है वन, सेम आर थ्री डिवाइड बाय माइनस टू, हो जाएगा पॉजिटिव हाफ, हो जाएगा नेगेटिव हाफ, अब इसके हेल्प से इसको जीरो बाय आर वन माइनस आर थ्री, हाफ माइनस हाफ जीरो, तो पहले सब लिख देता हूँ, हाफ माइनस हाफ जीरो, हाफ माइनस जीरो हाफ, जीरो माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ, ओके दैट्स इट, ये हो गया ए इनवर्स, फाइंड एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ए इनवर्स मिल चुका, बी क्या बी इज वन टू थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, दिस इज थ्री बाय वन मैट्रिक्स, थ्री एंड थ्री कट, थ्री बाय वन मैट्रिक्स का आंसर आएगा, फाइन, रो वन कॉलम वन मल्टीप्लाई जीरो इंटू वन प्लस हाफ इंटू टू प्लस हाफ इंटू थ्री, हाफ इंटू वन प्लस माइनस हाफ इंटू टू प्लस जीरो इंटू थ्री, हाफ इंटू वन प्लस जीरो इंटू टू प्लस माइनस हाफ इंटू थ्री, ओके।
माइनस टू अपॉन टू हाफ जीरो माइनस थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू, ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू विच इज माइनस वन, दिस इज द आंसर। समझे क्या इसका आंसर एक्स वाई और जेड का, समझ आया सबको? हाँ। एनी क्वेश्चन एनीवन? नहीं। ठीक है आप रिडक्शन कर रहे हैं जो सेकंड और थर्ड सब है तुम सॉल्व कर देना, अब क्या करें रिडक्शन, चलो रिडक्शन मेथड कर रहे हैं। अब रिडक्शन मेथड तो इन्वर्जन मेथड ही यूज करना है बट काफी इजी है, ओके काफी इजी है। तो इसमें देखो इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर, कन्वर्ट करो इनका फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब रिडक्शन मेथड में क्या करना होता है ये जो मैट्रिक्स होता है ना हमें खाली इधर एक वैल्यू को जीरो लाना है बस, हमें खाली ये वाला एक वैल्यू को जीरो लाना है, ओके फिर मैं समझाऊं फिर तुमको समझ में आ जाएगा कैसे, इसको कोई इक्वेशन में डालने का जरूरत नहीं है खाली एक वैल्यू को जीरो डालना है। तो देखो ये तो वन मिल चुका है, अब ये मान के हेल्प से इसको जीरो बनाओ, तो कैसे जीरो बनाओगे, बाय आर टू माइनस थ्री आर वन, समझा सबको ये स्टेप समझा, ये वाला वैसे का वैसे ही छोड़ देना, ये भी वैसे का वैसे ही छोड़ देना, आर टू क्या है थ्री फिर फाइव, तो फाइव माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर, तो ये वाले पोजीशन के लिए फोर माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू, ओके माइनस टू आएगा ना, हाँ समझा ये स्टेप समझा, बस अब क्या करना है पता, तो फाइव माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन, हाँ ओके अभी क्या हो जाएगा पता, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन इंटू एक्स इज वन एक्स प्लस थ्री इंटू वाई थ्री वाई इज इक्वल टू टू माइनस फोर वाई, क्योंकि जीरो इंटू एक्स इज जीरो एक्स प्लस माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस टू, समझा? तो अगर देखोगे वाई का वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू, अब ये वन अपॉन टू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, थ्री इंटू वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू, ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्स भी आ जाएगा वन अपॉन टू, खत्म समझा? तो अगर टू बाय टू मैट्रिक्स है तो यू विल ऑलवेज मेक इन रिडक्शन, या लिख देता हूँ रिडक्शन में अगर टू बाय टू मैट्रिक्स है तो तुम क्या करोगे मेक ए ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो, खत्म हमेशा, ये जीरो हो गया बेसिकली, ये दो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोएफिशिएंट मिल गया है सॉल्व किया वाई आ गया, ओके वाई को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक्स आ जाएगा, समझ आया तुमको? हाँ तो इन एवरी सम ऑफ रिडक्शन और टू बाई टू मैट्रिक्स, जैसे टू बाई टू मैट्रिक्स है वैसे ही ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में ही लिखना है ये, और ये जीरो बनाने का स्टेप भी सेम है, अगर ये वन नहीं होता तो पहले मैं इसको वन बनाता फिर ये वन के एल से इसको जीरो बनाता, बस बेसिकली दो स्टेप से ज्यादा समझ आएगा ही नहीं, समझेगी नहीं, किसी को कुछ पूछना है? मल्टीप्लाई कर देने का, और मल्टीप्लाई में भी दिमाग नहीं लगाने का रही, ये वाला जो रहेगा ना इलेवन एट ट्वेल्व ये लोग एक्स और वाई का कोएफिशिएंट देगा, ये एक्स और वाई का रहेगा खत्म, ये तो जीरो है तो खाली वाई बच गया, समझा? इसलिए कोई इतना मगजमारी किया ही नहीं मैंने, किया टू बाई टू है टू बाई वन है कट कट कोई जरूरत ही नहीं है,
सीधा ये x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू rx, समझे? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब 3/3 का रिडक्शन। अब 3/3 में रिडक्शन एग्जाम में भी आया ना, तो अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इजी होता, डिफिकल्ट नहीं होता। और सम करो, फॉर्मेट चेंज करो, 1 2 1, 2 3 माइनस वन, 3 - 1 - 2। ओके, ये फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। अभी मैंने जब 3/3 रहेगा ना, 3/3 रिडक्शन, तो किसको जीरो बनाने का पता है? A21, A31, A32, ये तीन जीरो होने चाहिए। दिस पोजिशन, दिस पोजिशन, दिस पोजिशन जीरो करना है। ओके, बस दैट्स द टारगेट, फिर आंसर आ जाएगा। तो अभी ये वन है ऑलरेडी, तो ये वन के हेल्प से ये जीरो हो जाएगा, A21 जीरो हो जाएगा और A31 जीरो हो जाएगा। कैसे? बाय R2 - 2R1। ये इन्वर्जन ही कर रहे, देखो, तो इससे पता चलता है इन्वर्जन कितना इम्पोर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। वो नहीं आया तो तड़पेंगे सब। ओ सॉरी सॉरी, इसमें चेंज आने वाला है ना, मैंने गलती से पहले लिख दिया, वो ध्यान दो। तो ये पोजीशन के लिए 2 - 2 × R1 क्या है? 1, ये हो गया 0। ये वाले पोजीशन के लिए 3 × 2 × 2 - 1 - 1 - 2 × 1, इसके लिए क्या हो जाएगा? 11 - 2 × 8 - 1। ये वन के हेल्प से इसको 3 को 0 बनाना है। ओके, बाकी सब देखो कैसे कॉपी कर रहे अपन। ये तो हो गया सीधा 0। ये वाला पोजीशन में क्या आंसर आएगा? -1 - 2 × 3। ये वाले पोजीशन में -1 - 3 × R1 - 1। इसके लिए क्या आएगा? 5 - 3 × 8। 5 - 24 = -19। अभी फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर ये 1 के हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो बाय R2 × -1 कर दो, तो साइन चेंज हो गया, 1 हो गया, बाकी सब सेम। पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो जाएगा? 7 को बनाना है 0, तो बाय R3 + 7R2। ओके, क्योंकि -7 है ना, तो -7 + 7 करेंगे तो ही 0 होगा। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं, तो कॉपी पेस्ट करो। ये 0 ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया? -5 + 3 × 7। ओके, तो क्या हो गया? -5 + 21 = 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -19 + 7 × 5 = 35। समझा? देखो ये बन गया ना 0। बस फिर ये जो दिए गए है, ये x y और z के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये क्या? 16। ये देखो थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम है ना, तो 16 इज कोएफिशिएंट ऑफ z, तो 16z इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। ये y और z का है, तो 1y + 3z इज इक्वल टू 5। और फिर x y z, 1x + 2y - 1z = 8, sorry =
समझ आया? अब z को सॉल्व किया, therefore z is equal to 16 divided by 16 is equal to 1. z का आंसर आ गया, put z is equal to 1 in the second equation. So 1y plus 3 into 1 is equal to 5. therefore y is equal to 2. फिर y और z मिल गया, उसको थर्ड इक्वेशन में डाल दो. 1x plus 2y, 2 into 2 minus 1z, minus 1 into 1 is equal to 8. So x plus 4 minus 1 is equal to 8. So x is equal to 5. So x का आंसर क्या आ गया? 5. y का आंसर 2. z का आंसर 1. This is the final answer. समझा क्या? समझा सबको? हाँ. पहले क्या किया मैंने, ये इक्वेशन बनाया सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही. पहले वन वन के हेल्प से ये दोनों को जीरो, फिर ये वन वन के हेल्प से इसको जीरो. बस ऊपर वाले को जीरो क्यों नहीं किया, जरूरत ही नहीं है ना. हो गए तुम्हारे तीन जीरो, यहाँ पे आ गए तीनों जीरो. इसको लोअर ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाते ऐसा बोलते हैं लोग. तो ये लोअर ट्राइंगल को जीरो कर दिया अपन ने, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ जेड, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड जेड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. जेड का आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई आ जाएगा, वाई और जेड का आंसर ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स आंसर. एनी क्वेश्चंस एनीवन? बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है? नहीं. Are you sure everyone? समझा सर. ठीक है, अब देखो है थर्ड और फोर्थ टर्म, कुछ नहीं खाली इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं. इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर देना. जैसे देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी 2 वीसीआर इज 35,000. Shopkeeper wants a profit of 1,000 per TV and 500 per VCR. He sells 2 TV and 1 VCR and gets total revenue of 21,500. Find the cost price, find the selling price. So, क्या बोला है? The total cost of 3 TV, 2 VCR 35,000 है. और उसको profit कितने का चाहिए? 1,000 का चाहिए और 500 रुपए का चाहिए. उसने दो टीवी बेचा, एक वीसीआर बेचा और पैसा कितना कमाया? 21,700. फाइंड द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस. कॉस्ट ऑफ 3 टीवी टू वीसीआर प्रॉफिट ऑफ 1,000 चाहिए पर वीसी, पर टीवी 500 पर वीसी. उसने बेचा टू टीवी एंड वन वीसी, कितना मिला? 21,500. ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते. That's why. But यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है. सेम एक इक्वेशन में सेम चीज होना इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ये थर्ड सम पाक करो, करते हैं. मैं एक बार देखता हूँ, ये दोनों वेरिएबल अलग है, अजीब आ रहे हैं.
पोस्ट कर लेते हैं. द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक वन कोऑपरेशन बुक एंड वन अकाउंट्स बुक इज 420. सो लेट द कॉस्ट ऑफ इको बुक इज इक्वल टू एक्स. लेट द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेशन बुक इज इक्वल टू वाई. अकाउंट्स बुक इज इक्वल टू जेड. ओके तो इक्वेशन क्या बनता है. द कॉस्ट ऑफ वन इको बुक वन कोऑपरेशन बुक वन अकाउंट्स बुक 420. द कॉस्ट ऑफ वन इको बुक टू कोऑपरेशन बुक वन अकाउंट्स बुक इज 480. वन इको थ्री कोऑपरेशन टू अकाउंट्स इज 600. अपने वो एक्स वाई जेड निकालना है तो उसको पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो. वन 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 इधर एक्स वाई जेड ओके एवरीवन. फिर इसको चाहिए ना तो हम रिडक्शन से सॉल्व कर सकते हो. कुछ स्पेसिफाई नहीं है ना. तो रिडक्शन में क्या करोगे, यहाँ पे जीरो लाओगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, खत्म. फिर एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा. समझा तुमको. सबको समझा. हाँ. Anyone, any question? ठीक है. तो अभी हर कोई कौन सा सम सॉल्व करेगा बिफोर वी गो टू इको. सेकेंड का फोर्थ सम सॉल्व करोगे रिडक्शन वाला, फटाफट करो ये वाला सम. दिखा ये वाला सम सॉल्व करो फटाफट रिडक्शन मेथड. मैं होल्ड कर रहा हूँ, जल्दी करो.